लोकसभा चुनाव के बीच जहां सभी पार्टियां अपने अपने वोट बैंकों को भुनाने में लगी हैं, वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की दिक्कतें कम होने का नाम नहीं ले रही। कभी उन्हें विदेशी होने का दंड मिलता है तो कभी अच्छा राजनेता ना होने के ताने, लेकिन फिर भी राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बनने के सपने देखते हैं, जिसके लिए राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश भी जी तोड़ करते हैं, लेकिन अफसोस इतनी मेहनत के बाद भी उनके हाथ कुछ नहीं लगता। यही नहीं, वो पीएम मोदी की तरह भाषण देने की कोशिश करते हैं, टीवी चैनल्स पर इंटरव्यू देने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि साल 2014 में अर्णब गोस्वामी को दिए इंटरव्यू के बाद हुई फजीहत से वो अभी तक उभर नहीं पाए हैं। तभी तो इंडिया टुडे को दिए इंटरव्यू में जब फिर से सवालों के जवाब उल्टे सीधे देने लगे तो बाद में कांग्रेस द्वारा इस इंटरव्यू को ऑन एयर करवाने से ही रोक दिया गया। एक तरफ तो राहुल गांधी पीएम मोदी पर वाराणसी में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करने के आरोप मढ़ते हैं, जबकि हकीकत ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैक टू बैक कई इंटरव्यू दिए हैं, राजनीतिक भी और गैर राजनीतिक भी। न्यूज 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी को दिया एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हो, या फिर एबीपी न्यूज को दिया, या फिर ANI हो, या अभिनेता अक्षय कुमार को दिया इंटरव्यू हो, ऐसे कई इंटरव्यू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिए हैं। वहीं कांग्रेस जो पीएम मोदी पर निशाना साधती है, उसी पार्टी के अध्यक्ष इंटरव्यू से बचते नजर आते हैं। इसका उदाहरण हम पहले भी देख चुके हैं। और अब सोशल मीडिया की खबरों की माने तो इंडिया टुडे को दिए इंटरव्यू के बाद राहुल गांधी इतने हताश हो गए कि आज तक के साथ पहले से ही तय एक इंटरव्यू को ही उन्होंने कैंसिल कर दिया। दरअसल सोशल मीडिया से सामने आ रही खबरों की माने तो इंडिया टुडे के साथ इंटरव्यू के बाद आज तक के एंकर अंजना ओम कश्यप सहित आज तक की पूरी टीम जयपुर में राहुल गांधी का इंटरव्यू लेने पहुंची थी, लेकिन बाद में इस इंटरव्यू को कैंसिल कर दिया गया। वजह बताई गई कि इंडिया टुडे द्वारा जो प्रोमो पिक्चर इंटरव्यू के लिए इस्तेमाल की गई थी वो राहुल गांधी को पसंद ही नहीं आई। अब इतनी सी बात पर इंटरव्यू कैंसिल कर देना ही काफ़ी बचकाना लगता है। हालांकि ये तो सिर्फ एक बहाना था इंटरव्यू को कैंसिल करने का, वास्तव में वजह तो इंडिया टुडे को दिए इंटरव्यू से ही जुड़ी है। दरअसल चुनावी अभियान में जी जान से जुटे राहुल गांधी दिल्ली से आगरा जा रहे फाल्कन विमान पर बैठे और उनके साथ इंडिया टुडे के संपादकीय निदेशक राज चिंगप्पा और सहयोगी संपादक कौशिक डेका भी थे। इस दौरान कौशिक डेका ने राहुल गांधी का इंटरव्यू लिया और कुछ सवाल पूछे थे, लेकिन राहुल गांधी के जवाब सवालों से मेल नहीं खा रहे थे। साक्षात्कार को टेलीविजन ऑन एयर किया जाना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शायद इसके पीछे का कारण राहुल गांधी के जवाब थे, जो कुछ वैसे ही थे जैसा कि साल 2014 के अर्णब राहुल संवाद में हुए थे। बता दें कि साल 2014 में राहुल गांधी का जो इंटरव्यू अर्णब गोस्वामी ने लिया था वो भारतीय पत्रकारिता के उन साक्षात्कारों में से एक, जिसमें एक आदमी की बेवकूफ़ी, उसकी तर्कहीनता और सबसे बढ़कर उसके मानसिक दायरे का छोटापन सबके सामने उभर कर आया था। ऐसे में चुनावी समय में अगर इंडिया टुडे के साथ का इंटरव्यू सामने आ जाता तो कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर से शर्मनाक स्थिति का सामना करना पड़ता। इसलिए पार्टी के कही अनुसार इंडिया टुडे ने इसे प्रिंट के लिए दिया गया इंटरव्यू बताया, जबकि सोशल मीडिया पर जब इससे जुड़ी तस्वीर वायरल हुई तो राहुल गांधी के इंटरव्यू का सच भी सामने आ गया। पिछले 5 सालों में जैसे तैसे मीडिया के एक तबके ने राहुल गांधी को एक परिपक्व नेता के तौर पर पेश किया है। ऐसे में इस इंटरव्यू से फजीहत ना हो जाए, इसलिए उन्होंने इंटरव्यू ही कैंसिल करवा दिया। हालांकि अक्सर राहुल को भी कई इंटरव्यू और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते देखा जाता है, लेकिन वहां भी वो चारों तरफ से कांग्रेस के कुछ चापलूस वरिष्ठ अधिकारियों से घिरे रहते हैं। ऐसा लगता है कि साल 2014 में पत्रकार अर्णब गोस्वामी को दिए इंटरव्यू के बाद से राहुल गांधी अपने ऊपर वो विश्वास ही कायम नहीं कर पाए जो एक नेता के अंदर होना चाहिए। फिर भी ना जाने क्यों कांग्रेस के राहुल गांधी पर एक्सपेरिमेंट लगातार जारी है।